नगर निगम के रिहायशी इलाके मोतिहारी शहर के मेन रोड के द्वार देवी चौक के नजदीक चाकू मारकर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधी ने अपने ही पड़ोसी आयुष कुमार के सीने में चाकू मार हत्या कर दी। बिस्कॉट निवासी मनोज कुमार के 20 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार का अपने पड़ोसी शिवम कुमार से रुपए के लेन देन मामले में कहा सुनी के बाद विवाद होने लगा। जिस मामले में बढ़ते विवाद को देख आरोपी के परिजन बचाव करने आए, वहीं आयुष ने आरोपी की महिला परिजनों को धक्का देकर गिरा दिया। इस पर गुस्सा आरोपी ने चाकू घोप कर हत्या कर दी। घायल स्थिति में सदर अस्पताल मोतिहारी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बारे में मृतक के पिता मनोज प्रसाद ने बताया कि आयुष थोड़ी ही दूरी पर बकाया पैसे मांगने आरोपी के पास गया था। शहर के मेन रोड स्थित पानी टंकी के पास दोपहर के करीब आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष कुमार शहर के मेस्कॉट वार्ड नंबर 20 का निवासी था। आयुष मनोज प्रसाद का इकलौता बेटा था, जो इंटर का छात्र था। पूर्व में उसने आरोपी को 8,000 रुपए ब्याज पर दिया था। कम समय में ही 8,000 रुपए का ब्याज समेत 1.5 लाख रुपए डिमांड को लेकर पूर्व में ही कई बार विवाद हो चुका है। वही घटना में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि बकाया रुपए को लेकर हमारे घर पहुंचकर आयुष कुमार गाली गलौज करता था। वहीं आज बकाया रुपया को लेकर विवाद शुरू कर दिया, तो हमारे घर के महिला परिजन मामले को शांत कराने आई तो आयुष कुमार ने महिला परिजनों को धक्का देकर गिरा दिया, तो गुस्से में चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें आयुष ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी ने बताया कि जिसके बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज डेस्क, अरण न्यूज।